कि भाई अगर आपने नासिर खोसा जो इतना बुरा आदमी तो नहीं था, एक दिन पहले आपने उसका नाम दिया, फिर उसकी बेइज्जती कर दी आपने, उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया। अब एक ये भी कहम गोइयाँ हो रही हैं कि जी उनको ख़ास किसी एजेंडे के तहत किसी के कहने पे फारिग किया गया। एक तस्वीर ये दिया जा रहा है कि शायद कोई मुक्तदर कुवतों ने कहा, लेकिन मैंने कहा ज़रा मैं पता करूँ कि इनका बैकग्राउंड क्या है। ये साउथ ऑफ पंजाब से तलक रखते हैं, आपको पता ही है, बड़े मरंजा मरंजा आदमी हैं, अखलाकियात के बहुत अच्छे हैं, इस मामले में इमरान खान के बिल्कुल अपोजिट हैं, मरंजा मरंज। और जब 1999 का मार्शल लॉ लगा तो ये कमिश्नर थे मुल्तान डिवीजन के, और वहाँ के जो कोर कमांडर थे वो जनरल अमजद थे। इनके जनरल अमजद से इंतहाई खुशगवार तलुकात थे, इसको आप मद्देनज़र रखें। फिर दूसरे ये कि इनका उसके बाद तबादला हुआ एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गोदर पंजाब, 3 साल रहे जनरल सफदर रिटायर्ड, और उसके बाद जो हमारे चैनल पे भी आते हैं खालिद मकबूल, उनके साथ भी काम किया उन्होंने। फिर ये रहे मुशर्रफ साहब के दौर में वज़ीरे ज़राअत, वज़ीरे ज़राअत सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, ठीक। तो जहांगीर तरीन के साथ इनका बड़ा करीबी तालमेल था। तो मकसद कहने का ये कि ये कोई, ये तो कहा जा रहा है कि जी ये मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, फिर चीफ सेक्रेटरी है पंजाब में। ये पीछे वाला हिस्सा जो है ये बड़ी कन्वीनियंटली हमारे जो सोशल मीडिया वाले और हमारे एंकर हजरात जो हैं वो भूल उसको इग्नोर कर देते हैं।